जब संकट का समय आया मनीष कश्यप के ऊपर, तो आखिरकार सब लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। तो चलिए आज हम इस विषय पे कुछ टॉपिक पे आज हम बात करने वाले, वही सन ऑफ बिहार यानी मनीष कश्यप जी, जो कि एक समय था जो गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे और उठाएंगे, एक समय था जो इन्होंने सारे स्कूल में जाग जा करके कंप्यूटर लगवाए, और आज थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से आज इन पे FIR दर्ज कर दिया गया है। ये कैसा इंसाफ है यार, ये कैसा बिहार है जो एक गरीब का बेटा, जो कि एक बिहार के लिए ना जाने कितना चीज़ों के उन्होंने त्याग किए, लेकिन आज एक छोटी सी वजह से कुछ लोगों ने उन पे FIR दर्ज कर दिया। ये कैसा इंसाफ है, कैसा बिहार है। अरे ये मैं पूरे ऑडियंस यानी आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग कब तक ऐसे चुप रहिएगा? जो एक क्या आज के बाद से कोई सच्चाई ऐसे में तो बंद हो जाएगा यार, कौन ऐसे में सच्चाई किसी के ऊपर आवाज़ उठाएगा बताइए। आज कह रहे हैं ना, जो सच्चाई बोलने वाले पे आज FIR दर्ज हो रहा है, तो कल से कौन आएगा सच बोलने वाला, कौन आएगा सच दिखाने वाला, सब कोई डर जाएगा सच्चाई से। और बताइए, चलिए आज हम बात करेंगे मनीष कश्यप जी के बारे में, जो कि सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले और कुछ सच्चाई उठाए तो इन पे तेजस्वी यादव जी ने FIR दर्ज कर दी है दो पत्रकार के ऊपर। चलिए इस विषय पे आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। मैं हूँ सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साई न्यूज सीरीज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इन पे केस दर्ज कैसे हुआ है। देखिए पॉइंट से पकड़ते हैं इस चीज़ों को, जो कि कुछ लोगों का कहना और हम लोगों को तो पूरा जानकारी है भैया कि कैसे कहाँ पे क्या फॉल्ट है और किन वजह से ऐसे हो रहा है। देखिए सब लोगों को, अभी तो मनीष कश्यप को सब लोग गाली गलौज चट्टी छाप पत्रकार दुनिया जान आप कुछ लोग तो कह ही रहे, लेकिन हाँ जो सच्चाई है मैं वो आप सभी के बीच में दर्शाऊंगा। जब तक हम आप सभी के बीच सच्चाई नहीं शेयर करूँगा तो कौन करेगा। देखिए एक समय था जो बेचारा मनीष कश्यप सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लगवाए, बिहार के लिए हर समय पर उन्होंने आवाज़ उठाए, दारू बंदी हो गया, गुटखा खा रहे लोग, कई सारे मुद्दे पे इन्होंने सवाल उठाए, बहुत सारे लोगों बहुत जगह पे सुधार भी हुआ, लेकिन अभी जो तमिलनाडु वाले मामले पे उन्होंने सब सही किए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, तो जातिवाद हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है जातिवाद हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ सरकार से ही सवाल उठा दिए तो इन पे केस दर्ज हो गया। तो ये कैसा इंसाफ है भाई, ये बिहार के मेरे घर में जो गार्जियन है माता पिता, तो मैं उनसे कोई चीज़ नहीं पूछूंगा तो किसी और से जाऊंगा पूछने। बिहार में सरकार तेजस्वी जी का है तो हम किससे पूछने जाऊंगा, मोदी जी से आए। तो जब मैंने आपसे ही सवाल किया तो क्या आप उन पे FIR दर्ज कर दीजिएगा। अरे छोड़िए वो सब छोड़िए, हम भी आपसे तेजस्वी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, नीतीश जी से सवाल करना चाहता हूँ। बिहार में तो दारू बंद है ना, तो दारू कहाँ से आता है, और कहिए कमेंट करके तो हम आपको भेज दें जितना चाहिए से। मैं भी बिहार से हूँ, आइए मिलिए हमसे। और बिहार में तो दहेज प्रथा बंद है, तो क्यों दहेज लिया जाता है मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बोलिए बिहार में दारू बंद है तो क्यों मिल रहा है, और बताइए आप लोग है। आप लोग मतलब बिहार के लोगों को खाली मूर्ख बनाते हैं हम लोग का। अरे संविधान ने हम लोगों का, संविधान ने मुझे हम लोगों का बताया, लिखा हुआ है कि हम लोग आम नागरिक हैं, मैं अपना सवाल जवाब मैं अपने ऑडियंस के बीच में रख सकता हूँ, तो इसमें मुझे रोकने वाला कौन होता है बताइए आप लोग, क्या मैं हम लोग समाज के आम नागरिक नहीं है। हम लोग अगर सच बताएंगे तो क्या इसमें आप लोग फांसी दे दीजिएगा, कितना लोगों को दीजिएगा भाई बताइए ना, कितना लोगों को आप लोग दीजिएगा। वो एक इकलौता मनीष कश्यप है कि बेचारा आज तक मोह माया त्याग करके आज तक देख लीजिए उनका घर, आप लोग तो कोई अगर मतलब हिट हो जाता है कोई तो वो अपना घर बना लेते हैं, लेकिन आज तक देखिए वही टूटे छप्पर के मकान में, खपड़े के मकान में बेचारा वो रहते हैं। क्या वो चाहते, उनको कोई लोभ लालच होता तो छत के घर नहीं बना लेते, एक घंटे का पावर है जो सब चीज़ कर सकते हैं, आज तक उन्होंने शादी क्यों नहीं किए। अरे बताइए आप लोग, क्या मैं आप लोग को बताऊँ, जो लोग चाहते हैं ना कि मुझे अच्छा एक अच्छा इंसान बनना है, वो लोग कुछ जनता की खुशी के लिए ना, बिहार के लोगों की खुशी के लिए कुछ अपना अपना खुशी त्यागना पड़ता है मेरे भाई, वही
नाम है सौनभ बिहारी यानी मनीष कश्यप, वही एकलौता शेर है कि आज तक उन्होंने कुछ त्यागा है तो सिर्फ आप सबों के लिए, आप सब जनता के लिए, लेकिन उन पे तो समझने के लिए कोई तैयार है नहीं। सिर्फ क्या करना है तो आरजेडी बीजेपी, अरे भाई आप लोग जातिवाद का झंडा कब तक लहराओगे, इंसान है इंसान के लिए मरिए। आप लोग एक देश के एक बिहार के अच्छा नागरिक हैं, आप लोग अपना हक खुद उठाइए, अपना हक खुद लड़िए। तो फिर ये कैसी इंसाफ है कि आज एक हक सच्चाई उठाने वाला पे FIR दर्ज कर दिया है। तो तेजस्वी जी आप कितना लोगों पे कीजिएगा, हम भी आपसे पूछना चाहते हैं आपसे। और उन्होंने क्या कहा है, आप 9वीं पास है, तो सही में आप 9वीं फेल है तभी तो आप इतना जल्दी जो है फैसला ले लिए, उन पे FIR दर्ज कर दिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने जो फैसला लिए हैं क्या कहता है, आपने अपना पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया है। क्यों कुल्हाड़ी मार लिया है वो मैं आप लोग को आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग का वही जो मनीष कश्यप जी कह रहे हैं कि आप 9वीं फेल हैं, तो क्यों कहेंगे आपको, जब अच्छा बिहार, आपको एक अच्छा बिहार को ब्रांड बनाना है तो सबसे पहले आपको तो खुद एजुकेट आदमी होना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए। जब आप खुद एजुकेशन नहीं लीजिएगा तो दूसरे को क्या दीजिएगा। और आपने बोला था कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, कहाँ गया आपका नौकरी, ये मैं भी पूछ रहा हूँ, हम पे भी FIR दर्ज कर कीजिए ना। आए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप हम पे FIR दर्ज कीजिए, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़े आप, आपका क्या अंदर क्वालिटी, जब आप खुद नहीं पढ़ पाए तो बिहार के लोगों को क्या पढ़ाइएगा सर, बताइए। अगर शर्म आ रहा होगा तो अभी से कुछ पढ़ लीजिए और रिजाइनिंग दे दीजिए, काहे बेचारा मनीष कश्यप को आप लोग टॉर्चर कर रहे हैं। और जितने भी पब्लिक, भगवान स्वरूपी ऑडियंस, आप सभी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक मत कीजिए, लेकिन हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो अच्छे अच्छे लोगों को न देख के जातिवाद के फेरे में पड़े रहते हैं उन लोगों तक यह जानकारी पहुँचे, ताकि कुछ कुछ सच्चाई उन लोगों को पता चल पाए, ताकि मनीष कश्यप जी को एक अच्छा इंसान बनने में हम लोग सपोर्ट करें और सच्चाई को सपोर्ट करें हम लोग, ताकि सच बोलने वाला कभी टूटे ना लेकिन उठे ज़रूर। हम लोग किसी को टूटने नहीं देंगे, लेकिन अगर आप लोग और साथ अभी नहीं दीजिएगा उनको तो शायद कुछ दिन के बाद आप लोग वैसे ही कुछ दिन पहले चले जाइए बैक, वैसे ही हमारे समाज में होगा, तो कोई डर से नहीं आएगा सच्चाई की आवाज़ उठाने के लिए। यही मौका है आप सभी जनता को एक होने का, यही मौका है आप सभी को सच्चाई के साथ देने का। तो उम्मीद करूँगा आप सभी के बीच, जितना मैंने आप सभी के बीच मैंने शेयर किया है चीज़ को, मैं अभी बोलने के कदार में नहीं था, मुझे काफ़ी अभी प्रॉब्लम हो रहा है शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन फिर भी मुझे रहा नहीं गया, तो मैं आप सभी के बीच इस चीज़ को शेयर किया हूँ। तो उम्मीद करूँगा आप सभी चीज़ को समझे और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करूँगा आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और फिर से मिलते कुछ अच्छे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।